नमस्कार, अभय न्यूज़ के ताज़ा बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप दर्शकों ने जो भरोसा हम पे जताया है, हम उस पर खरा उतरने का प्रयास करते रहेंगे। आइए चलते हैं आज की प्रमुख खबरों की ओर। आपके अपने पसंदीदा न्यूज़ चैनल अभय न्यूज़ की टीम रविवार को एक बार फिर से आप दर्शकों के बीच में से ही एक महिला दर्शक के घर पर अकस्मात पहुंची, उन्हें टॉप फैन का सम्मान प्रदान किया। रविवार दोपहर हमारी टीम क्षीरसागर कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली श्रीमती गंगा परिहार के निवास पर पहुंची और उन्हें सरप्राइज गिफ्ट भेंट किया। वह हमें देखकर एकदम चौंक गई। हमारा अकस्मात उनके घर पहुंचने और उन्हें सम्मानित करने वाला पल चैनल और दर्शकों के बीच के रिश्ते की मधुरता बयां करता है। आप हमारे टॉप फैन की कैटेगरी में हैं और हम आपके लिए एक गिफ्ट लेकर के आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप गिफ्ट लेने से पहले अपने हाथ सैनिटाइज ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कैसा लगता है अभय न्यूज़ चैनल आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। अभय न्यूज़ के दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहेंगे? या शो सर, बिल्कुल, ये अभय न्यूज़ में जो दिखाया जा रहा था पूरा फेस टू फेस दिखाया जा रहा है और इसमें जो भी अपडेटिंग आती है वो सच्चाई पर आधारित होती है, इसीलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने इसको शेयर किया है। और दूसरे लोगों को अगर आप शेयर करने के लिए प्रेरित करें? या शो, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इस न्यूज़ को अपडेटेड करते हैं और लोगों के साथ शेयर करते हैं तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा उज्जैन की पब्लिक को अपना उज्जैन के बारे में जानकारी मिलेगी और उन्हें पता चलेगा कि उज्जैन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दर्शकों, ये हैं श्रीमती गंगा परिहार जी और हम इनके क्षीरसागर स्थित निवास पर इनके लिए सरप्राइज गिफ्ट लेकर के पहुँचे हैं। अगर आप भी अभय न्यूज़ की खबरों को लगातार शेयर करते रहेंगे तो हो सकता है एक दिन हमारी टीम आपके दरवाजे पर भी दस्तक देकर ठीक इसी तरह से आपको सरप्राइज गिफ्ट प्रदान करेगी। धन्यवाद। निवेदन करना चाहती हूँ कि उज्जैन की पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा अभय न्यूज़ को देखे, शेयर करें ताकि हमें उज्जैन के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके और जो भी धोखाधड़ी वगैरह जो हो रहा है उज्जैन की जनता के साथ, जैसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये राशन दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है, एक एक किलो अनाज देकर लोगों को बोला जा रहा है कि देखो हम ये अनाज बांट रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उनको जागरूक करें और आगे आया है बाबा खुद महाकाल मेरे पास चलकर आ गए आज तो। थैंक यू सो मच सर इस न्यूज़ और थैंक यू इस तस्वीर के लिए, मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप भी हमारे न्यूज़ बुलेटिन को हर रोज शेयर करते रहें। हो सकता है हमारी टीम की अगली दस्तक आपके दरवाजे पर हो। आप अभय न्यूज़ की असली ताकत हैं। बचपन से सुनते आ रहे हैं संडे इज हॉलीडे, पर जिंदगी में ऐसा भी कोई संडे आएगा जिसका हॉलीडे घर में ही पैक करके रख देगा, सोचा नहीं होगा। करम जले कोरोना ने एक बार फिर से सितम ढा दिया। लगभग 50 दिन बाद फिर से उज्जैन के नागरिकों ने लॉकडाउन का मुंह देख ही लिया। रविवार सुबह से ही पूरे शहर में सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। इक्का दुक्का लोग नजर आए, उन्हें भी चौराहों पर तैनात पुलिस वालों ने फटकार लगाकर वापस घर भेज दिया। फ्रीगंज ब्रिज, 3 बत्ती चौराहा, देवास रोड, छतरी चौक इलाकों में पुलिसकर्मियों ने एक तरह की नाकेबंदी कर रखी थी। यह आंशिक लॉकडाउन सोमवार सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। इसके बाद फिर अगले सप्ताह शनिवार शाम से ही लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। शहर के सारे पेट्रोल पंप और महाकालेश्वर मंदिर के पट भी आम दर्शनार्थियों के लिए बंद रहे। शहर के बाहरी नाकों पर भी रविवार सुबह भीतर प्रवेश करने वाले वाहनों को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था। हालांकि बाद में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर नाकों से आवागमन करने वाले लोगों को कुछ हद तक छूट दी गई। नाकों को पार करने वाले दोपहिया वाहन चालकों को रोककर पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ करते रहे। उज्जैन में 31 घंटे का लॉकडाउन 1.5 माह पुरानी यादें ताज़ा कर गया। 22 मार्च से 29 मई तक उज्जैन के लोगों ने जिन हालातों को भुगता है वे पल फिर से जिंदा हो गए थे। दोस्तों, बुरी खबर यह है कि उज्जैन जिले में एक्टिव कोरोना मरीजों की संख्या शुक्रवार रात तक की स्थिति में 95 पर जा पहुंची है। हो सकता है जब यह बुलेटिन आप देख रहे हों उस वक्त तक एक्टिव कोरोना मरीजों का आंकड़ा शतक बना चुका हो।
उज्जैन जिले में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 967 तक पहुंच गई है। हालात ऐसे ही रहे तो बमुश्किल 3 दिन में यह आंकड़ा भी 1000 के पार हो जाएगा। जून महीने के पहले और दूसरे सप्ताह में हमारा शहर और ज़िला बहुत बेहतर स्थिति में आ चुका था। हम ग्रीन जोन की तरफ आगे बढ़ने लगे थे, लेकिन ताज़ा हालात में यह मुश्किल दिखाई दे रहा है। शुक्रवार रात भी शहर में वृंदावनपुरा, मिर्ज़ा नईम बेग मार्ग, जयसिंहपुरा, सेफी मोहल्ला, मक्सी रोड, खाराकुआ, बियाबानी मार्ग और क्षिप्रा पार, गौंसा गांव से नए मरीज सामने आए हैं। नए मरीजों के लगातार निकलने का यह सिलसिला आखिर थम क्यों नहीं रहा? दरअसल इसके पीछे की वजह हमारी और प्रशासन दोनों की ही लापरवाही है। इस लापरवाही को समझने के लिए आपको हम कुछ ताज़ा कंटेनमेंट के हालात दिखाते हैं। फिलहाल आप स्क्रीन पर जयसिंहपुरा इलाके में एक ऐसे घर को देख रहे हैं जहां हाल ही में कोरोना के मरीज मिले हैं। इस घर के आसपास केवल बैरिकेडिंग कर दी गई है। कंटेनमेंट की निगरानी के लिए किसी की तैनाती नहीं है। इस घर के आसपास रहने वाले बच्चे तक मास्क का उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए नाना खेड़ा स्थित वृंदावन धाम कॉलोनी के कुछ वीडियो। इस अकेली कॉलोनी के 6 घरों में नए कोरोना मरीज निकले हैं। आसपास के 4 घरों से नए मरीज मिलने के बाद इस कॉलोनी की एक गली को पूरी तरह से ही बंद करना पड़ गया है। यहाँ भी किसी तरह की निगरानी नहीं है। कोई भी अपनी मर्जी से बैरिकेड हटाकर कंटेनमेंट से बाहर निकल सकता है। हमने आसपास पता किया तो लोगों ने बताया कि जिस पुलिसकर्मी की यहाँ निगरानी के लिए ड्यूटी लगी है वह पास के मंदिर के बागीचे में आराम कर रहा है। हमने उस पुलिसकर्मी से भी बात की। ऑन कैमरा वह कुछ कहने को तैयार नहीं था, लेकिन उसने बताया लंबी ड्यूटी के बावजूद यहाँ पानी तक उपलब्ध नहीं है, बैठने को कुर्सी तक नहीं है, विभाग कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहा है। आखिर ऐसे में बगीचे में जाकर नहीं बैठें तो क्या करें? अब ज़रा आप तीसरे कंटेनमेंट का वीडियो भी देखिए। शास्त्री नगर कॉलोनी की गली नंबर 3 में ये महाशय मास्क का उपयोग करना तो दूर, कंटेनमेंट के पास ही बैठकर होठों पर लिप गार्ड लगा रहे हैं। इसी गली में एक और कंटेनमेंट है, इससे चंद कदमों की दूरी पर ही बिना मास्क लगाए बकायदा मोहल्ला पंचायत बैठी है। शास्त्री नगर के इन 2 कंटेनमेंट पर भी किसी तरह की प्रशासनिक निगरानी नहीं है। अब ज़रा आप मालीपुरा इलाके में कंटेनमेंट बने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय आराधना के फुटेज देखिए। यहाँ से 50 साल उम्र के एक प्रचारक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इस कंटेनमेंट के बाहर आप बैरिकेड्स पर बकायदा कनात लगी पाएंगे। पास ही पुलिसकर्मियों का टेंट लगा है, उनके लिए कुर्सियाँ हैं, ड्यूटी पर 24 घंटे जवान तैनात है। आम आदमी के कंटेनमेंट और VIP के कंटेनमेंट के बीच का फर्क साफ दिखता है। संघ है इसलिए भाजपा आज सत्ता में है, और भाजपा सत्ता में है इसलिए संघ वाले VIP हैं। हमें तो प्रशासन ने राम भरोसे ही छोड़ रखा है। उज्जैन वालों संभल जाइए, अब भी वक्त है, वरना ग्वालियर और मुरैना की तरह हमें भी फिर से लंबे लॉकडाउन का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन यह नहीं चाहता कि हमारा शहर भी दोबारा से बंद करना पड़े, लेकिन हालात हाथ से फिसलते चले गए तो इसके अलावा कोई चारा भी नहीं रह जाएगा। उज्जैन में लगभग 5 साल तक IG रहे वी मधुकुमार का शुक्रवार शाम एक विवादास्पद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वी मधुकुमार को राज्य शासन ने कुछ वक्त पहले ही परिवहन आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी थी। इस वीडियो के वायरल होने के तत्काल बाद ही उन्हें इस पद से हटाकर पुलिस मुख्यालय में अटैच कर दिया गया है। शासन स्तर पर हुई प्राथमिक जांच में सामने आया है कि गोपनीय कैमरे से लिया गया यह वीडियो 2016 का है और इसे आगर जिले के रेस्ट हाउस में शूट किया गया है। तब वी मधुकुमार उज्जैन रेंज के ही IG थे। वीडियो में वे 3 अलग अलग पुलिस अधिकारियों से कुछ लिफाफे लेकर अपने सूटकेस में रखते हुए दिखे गए। वैसे आपको बताते चलें कि वीडियो में जो 3 पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं वे तत्कालीन आगर TI सवाई सिंह नागर, कान्हा TI GS बिसेन और नलखेड़ा TI यशवंत गायकवाड़ हैं।
2016 में आरएस मीणा आगर जिले के एसपी थे, हालांकि वे वीडियो में कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। थाना प्रभारियों और तत्कालीन आईजी के बीच हुए इस लिफाफा लेनदेन को अब मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि खुद वी मधुकुमार और तीनों पुलिस अधिकारियों का यह कहना है कि आईजी ने तीनों थाना प्रभारियों से कुछ गोपनीय जांच प्रतिवेदन लिए थे। गोपनीय जांच के प्रतिवेदन लेने का यह गोपनीय वीडियो ऐसे वक्त में वायरल किया गया है जिस वक्त मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तैयारी है और विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। जाहिर है इस वीडियो को भी सरकार के खिलाफ हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। वैसे जिस अंदाज में वी मधुकुमार लिफाफे लेकर झटपट सूटकेस में डाल रहे हैं या खुद के नीचे छुपा रहे हैं, उससे तो यह साफ है कि घड़ी में लगे कैमरे ने मधु बाबू का वक्त बिगाड़ कर रख दिया है। महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों को मिलने वाली लड्डू प्रसाद के दाम हर स्तर पर विरोध के बाद आखिरकार फिर से चीन की चाल की तरह कम कर दिए गए हैं। चीन की चाल मतलब दो कदम आगे बढ़कर एक कदम पीछे खींच लेने वाली चाल। महाकालेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसाद के दाम कुछ वक्त पहले तक 240 रुपये प्रति किलो थे। सावन की शुरुआत में इसके दाम 60 रुपये बढ़ाकर 300 रुपये प्रति किलो तक कर दिया गया। मंदिर प्रबंध समिति के इस फैसले का चौतरफा विरोध हुआ। अब इसी विरोध के मद्देनज़र लड्डू के दाम 40 रुपये कम कर 260 रुपये प्रति किलो कर दिए गए हैं। यानी लड्डू प्रसाद के दाम कम करने का दिखावा भी हो गया और पहले की अपेक्षा एक किलो लड्डू प्रसाद पर 20 रुपये प्रति किलो का इजाफा भी कर दिया गया। अब कुछ नेता प्रेस नोट जारी कर इसका क्रेडिट लेंगे। अरे भाई, हकीकत यह है कि एक माह से भी कम अवधि में लड्डू प्रसाद के भाव 240 रुपये से बढ़ाकर 260 रुपये हो गए हैं। महाकालेश्वर मंदिर में अब यदि आप आधा किलो या एक किलो लड्डू प्रसाद का पैकेट खरीदेंगे तो वह आपको 260 रुपये प्रति किलो के मान से मिलेगा, लेकिन यदि आप 200 ग्राम या 100 ग्राम का पैक खरीदेंगे तो वह आपको 300 रुपये प्रति किलो के भाव से ही मिलेगा। भगवान महाकालेश्वर की श्रावण मास की तीसरी सवारी 20 जुलाई शाम 4 बजे परिवर्तित रूट से ही निकाली जाएगी। सवारी के दौरान भीड़ एकत्रित न हो, इसलिए इस बार बैरिकेटिंग को कनातों से ढक दिया गया है। सवारी के लाइव दर्शन आप अभय न्यूज़ के फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप पर भी कर सकेंगे। 20 जुलाई को सोमवती और हरियाली अमावस्या पर इस बार लोग क्षिप्रा नदी में डुबकी नहीं लगा सकेंगे। प्रशासन ने नदी के सभी घाटों पर आम लोगों के लिए आवागमन प्रतिबंधित कर दिया है। घटिया के नज़दीक पानबिहार में एक सड़क दुर्घटना में सनोदिया निवासी विक्रम सिंह पिता रामलाल की मौत हो गई है। वह खुद ही अपनी मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया था। शुक्रवार रात जानसापुरा में आपसी विवाद करने वाले दोनों पक्षों के 6 लोगों के खिलाफ जीवाजीगंज पुलिस ने प्रतिबंधात्मक धाराओं में केस दर्ज किया है। दोनों पक्षों के 3-3 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया है। एक महिला के हाथों हालात जब कोई अपराध करा देते हैं और जब इस महिला को जेल की सीखचों के पीछे धकेल दिया जाता है तब उसका पूरा जीवन खत्म हो जाता है। सजा भुगत कर यह महिला भले ही बाहर आ जाए लेकिन समाज से उसके हिस्से में केवल नफरत और हिकारत ही आती है। यदि ऐसी महिलाएं बाहर आकर फिर से सम्मानपूर्वक न केवल अपना जीवन जी सकें बल्कि परिवार का भरण पोषण भी कर सकें तो इसे आप चमत्कार ही मानिएगा। हाँ, हमारे ही उज्जैन शहर में ऐसे कई चमत्कार हुए हैं। अभय न्यूज़ की सीरीज़ फेस ऑफ द सिटी में आज हम आपको सजा याफ्ता महिलाओं के जीवन में दोबारा से उमंग जगाने वाली एक ऐसी महिला से मिलवाते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही समाज के प्रति समर्पित कर दिया। इनका नाम है श्रीमती वर्षा व्यास। भारतीय वायुसेना में सेवा देने वाले एक सैनिक की धर्मपत्नी, एक कुशल किसान और एक प्रखर पत्रकार, श्रीमती वर्षा व्यास के इन तीन रूपों के अलावा एक चौथा रूप भी है, ममतामयी माँ का। उन्होंने जेल में सजा भुगतने वाली कई महिला कैदियों को बेटियों की तरह ही सिलाई कढ़ाई का काम सिखाकर आत्मनिर्भर बनाया है। 1997 में उज्जैन आई श्रीमती वर्षा व्यास एक बेहतर काउंसलर हैं। शहर में जब कभी कहीं कोई परिवार टूट के मुहाने पर होता है और मामला पुलिस के पास पहुँचता है तो पुलिस अधिकारी भी श्रीमती वर्षा व्यास को ही याद करते हैं। वे पहुंचती हैं, पति और पत्नी दोनों से बात करती हैं और काउंसलिंग कर हर मुमकिन कोशिश करती हैं
कि परिवार टूटे नहीं। उज्जैन स्थित केंद्रीय भैरवगढ़ जेल को दुनिया की पहली ऐसी जेल होने का गौरव हासिल है जहां कैदी फूलों से खाद बनाते हैं। भैरवगढ़ जेल को यह गौरव प्रदान करने वाली श्रीमती वर्षा व्यास ही हैं। कैदियों का जीवन बदलने की दिशा में आपके द्वारा एक और सार्थक प्रयास किया गया है। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से श्रीमती वर्षा व्यास ने ही इंदौर और भोपाल की जेलों में बंद कैदियों की शिक्षा आरंभ कराने का काम किया है। उनके इस प्रयास से अब तक कई कैदी ग्रेजुएशन पूरी कर चुके हैं। श्रीमती वर्षा व्यास ब्रह्म एकत्व नाम की पत्रिका का संपादन भी करती हैं। श्रीमती व्यास ने अपने एनजीओ एहसास कल्याण समिति के माध्यम से जेलों में बंद महिला कैदियों को सिलाई मशीनें उपलब्ध करवाई। फिलहाल आप बाल कल्याण समिति के सदस्य हैं और इसके माध्यम से सुधार गृह का बखूबी प्रबंधन संभाल रही हैं। सुधार गृह में श्रीमती व्यास के प्रयासों से ही 3 बालिकाओं की शादी हो चुकी है और लगभग 10 महिलाओं को पुनर्वास प्रदान किया जा चुका है। श्रीमती व्यास कहती हैं, जेल में बंद कुछ महिला कैदियों से मुलाकात हुई, सज़ा पाकर वे हताश हो गई थी। जेल की 4 दीवारी के बाद भी उन्हें अंधकार की ही अनुभूति होती थी। इन महिलाओं को ढांढस बंधाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। सज़ा पूरी करने के बाद आज इनमें से कई महिलाएं सिलाई कढ़ाई कर 250 से 500 रुपए रोज तक कमा लेती हैं। ईश्वर कृपा से लंबी काली रात के बाद उनके जीवन में दोबारा खुशहाली लौट आई है। इन महिलाओं को परिवारों के साथ खुश देखती हूँ तो लगता है शायद ईश्वर ने हमें इन्हीं का जीवन संवारने के लिए जन्म दिया है। जेल में जब हमने अपना निवास बनाया तो मैंने सोचा कि मेरे जीवन में आने के कुछ उद्देश्य होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि शादी हुई, बच्चा हुआ और उनके उसमें लगे रहे। तो मैं कुछ समाज सेवा की तरफ जुड़ना चाहती थी, उसमें मैंने महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, जेल में बंदी भाइयों के लिए, बहनों के लिए काम किए और आगे भी मैं करना चाहती हूँ। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देश, दुनिया और प्रदेश की खबरें जानने के लिए जुड़े रहें अभय न्यूज़.com के साथ। जय श्री महाकाल।